की छिप थी। समस्या ये पल्ले जो है मेम्बर साहब थे उनके पास हम गए थे, वो लाइन नहीं जोड़ने दे रहे पानी की, हमारे जो गली में नल लगे हुए थे सरकारी समर वो फेल हो चुके हैं, पानी है नहीं। क्या कहते हैं वो लोग? वो कह रहे थे कि हमने 2 लाख रुपया दे के वो जमीन में लगवाया, अब उसका पानी हम जो आप लोगों को देंगे नहीं, कह रहे हैं। वो इस केस से की बात करने आए हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं? मोहल्ला शरीफ आबाद रामगढ़ का अधिकारी क्या कह रहे हैं? यहाँ के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। पानी की हमें चाहिए पानी, सारे मेंबर पाइप लाइन को जोड़ने नहीं दे रहे, खुद ही खुदाई बंद करा दी है, समर फेल पड़ा हुआ है। क्या कहते हैं शरीर? बंद कर दिया है पानी के घर वालों को, बिल्कुल पानी नहीं देंगे हम। क्यों नहीं देंगे? हमारी मर्जी, वो कहते हैं हमारा पैसा अदा कर दो, पैसा अदा कर दो, हमने अपना निजी लगवाया है। चलो तो अरे सबके हो गए क्या? एक्चुअल में कुछ साल पहले एक नलकूप लगा था जो फेल हो गया, क्योंकि वो फेल हो गया तो वहीं के लोग वहाँ के जो पूर्व पार्षद साहब, क्या नाम था उनका, साकिर ना, सारिक भाई ने कुछ जमीन की व्यवस्था करके उसके बगल में ही दूसरा ट्यूबवेल लगवाया। तो जमीन की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है, वो जैसे भी किए हैं वहाँ से खरीद के या जैसे भी किया उन्होंने, हम लोगों को हैंडओवर किया और हम लोगों ने नलकूप लगा दिया। नलकूप लगने के बाद पानी भी उबलना शुरू हो गया और मिलना भी शुरू हो गया। उसके बाद पार्षद का चुनाव हुआ, दूसरे पार्षद जीत गए हैं और सारिक जो है इसमें विनिंग कैंडिडेट नहीं रहे। तो ऐसा सुनने में आ रहा है जो एप्लीकेशन पड़ा है कि वो अब पाइपलाइन पड़ने का विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसमें कुछ उधार बाकी है, पैसा बाकी है और उसको जब तक चुकता न कर लें तब तक उस पर काम न किया जाए। तो वो ये रहा है कि सारिक भी एक्चुअली बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारा संपर्क रहा है, लगभग सालों का संपर्क रहा है, वो बड़ा जेन्यून और काम करने वाले आदमी हैं, उसके संबंध उनसे बात करेंगे। चूँकि सकारात्मक आदमी है, पॉजिटिव आदमी है, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। उनसे जल्दी ही मिलेंगे हम लोग, मिल करके उसकी समस्या का समाधान निकालेंगे। और एक बात और भी है, इस मामले में कोई भी अड़ियलपंथी दिखाएगा तो उससे बड़े जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, चाहे पुलिसी कार्रवाई हो या विभागीय कार्रवाई होगी, वो कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये बातचीत करने से समस्या का समाधान निकल जाएगा।